हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री। आज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गैलीलियन इनवेरियंस, किसे लेकर, लेंथ को लेकर, वेलोसिटी को लेकर और एक्सीलरेशन को लेकर, जिसमें हमने देखा था जो आपकी वेलोसिटी है वो तो इनवेरियंट नहीं है, यानी कि वो वेरियंट है, और आपका एक्सीलरेशन और लेंथ जो है वो वेरिएंट है। पढ़ता था लास्ट, मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन लॉज को पढ़ के देखेंगे कि वे इनवेरिएंट है या नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं गैलीलियन इनवेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए मैं आपके सामने हेडिंग डाल लेता हूं, मार्कर उठा लेता हूं। हेडिंग क्या है? हेडिंग आपको पता है, गैलीलियन इनवेरिएंस। यहां दिख रहा है थोड़ा सा नीचे, GALILEAN, गैलीलियन इनवेरियंस, INVARIANCE, इनवेरियंस फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप जानते हो, रेखीय संवेग। आपको हल्का सा भी याद होगा क्या, जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th में नहीं पढ़ा तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद हो आपको, थोड़ा बहुत नुन्ना सा प्यारा सा याद हो। यहाँ इसे बीच में दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं। क्या याद हो आपको कि दो बॉडी होती थी, एक एरी एक एरी, इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2, ये दोनों मोशन में चल रही है, u1 u2 से ज़्यादा बड़ी है। तो ये जब ज़्यादा तेज है, ये थोड़ी स्लो है, तो खुचुप इनकी टक्कर होगी। टक्कर के बाद यहाँ पर ये टक्कर होगी, फिर क्या होता था, टक्कर के बाद ये अलग अलग होगी, चिपकी थोड़ी रहेंगी। अब मैं भागा जा रहा हूँ, मैंने खुचुक तुम में टक्कर मार दी, मैं चिपक थोड़ी गया। अब वो बात अलग है, आपकी पसंदीदा हीरो हीरोइन हो, सारा अली खान हो, कैटरीना कैफ हो, आलिया भट्ट हो, तो उससे तो आप चिपकने की कोशिश करोगे। लेकिन ये यहाँ क्या है, ये बोल्स है, ये टकराई अलग अलग होगी, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2। मास तो सेम ही है, टूटा थोड़ी है। सर हमारा दिल टूट गया। अरे दिल का मास तो उतना का उतना ही है, दिल टूटता नहीं है। अगर दिल टूटता ना, आपको राम जी को प्यारे हो जाओगे। अब यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या लगाते थे, टक्कर से पहले कोलिजन बराबर टक्कर से बाद में, याद है कुछ, यही तो था। तो हमें दिखाना है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए है, इसी तरह का एस डैश के लिए भी आएगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ना, वो दोनों में सेम आता है, यानी कि दोनों को फॉलो कर रखता है। चलिए हम चलते हैं, मैं इस हिस्से को, पोर्शन को थोड़ा सा रफ करके आपको सिस्टमैटिक ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। घबराने की बात नहीं है, अगर मेरी क्लास में भी समझ में नहीं आया तो पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, यानी कि समझ में आपकी 100% आना है। लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो क्या, लेट अस कंसीडर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। ठीक सर, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है, हम कैसे करेंगे? अरे जिनका ऑब्जेक्टिव है उन्हें बस यही चीज़ याद रखनी है, कौन सी इनवेरिएंट है और कौन सी इनवेरिएंट नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एस। क्या हो गया बच्चा, एस। यहाँ पर इससे आगे दूसरा फ्रेम चल रहा है, ये रहा आ, 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 और आ। ये क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश, लिख देता हूँ एक्स डैश y डैश जेड डैश, ये कौन सा फ्रेम है, s डैश। ठीक, यहाँ पे दो कोई पार्टिकल्स रखे हुए हैं, पार्टिकल्स रख देता हूँ मैं, पार्टिकल्स रख देता हूँ। कहेंगे मार्कर, यार इतने सारे मार्कर कन्फ्यूजन क्रिएट कराते हैं। ये m1 है, ये m2 है। अब हम इनकी वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं, u1 u2 v1 v2 ये सब हम अपने पास से एज्यूम करेंगे। हमने क्या मान लिया, पहले फ्रेम s के लिए इनकी वेलोसिटी मान लेंगे, फिर फ्रेम s डैश के लिए। सर ऐसे कैसे, अरे कोई स्पीड से दौड़ रहा है खुचूर खुचूर खुचूर, उसके पीछे एक बाइक से दौड़ रहा है और एक पैदल दौड़ रहा है, तो उसकी स्पीड दोनों को अलग अलग महसूस होगी ना। मुझे लगेगा जो मैं पैदल हूँ,
कि यार कितनी तेज दौड़ रहा वो, और बाइक वाले को लगेगा यार कितना धीमा दौड़ रहा है। तो एक फ्रेम रेफरेंस ये है और एक ये है। सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये मैं आपको भले बात ही अच्छे से पिछली इस वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने पहले ले लेता हूँ फोर फ्रेम एस, पहले एस फ्रेम के लिए ले लूँ चांद मेरे। एस फ्रेम के लिए जब हम करेंगे एज्यूम करेंगे हमने यू वन क्या मान ली, यू वन हमने वेलोसिटी मान ली, यू वन क्या मान ली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम वन, यानी कि जिसका मास m1 है। या आप थोड़ा सा इस लैंग्वेज को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे करो, ये पार्टिकल फर्स्ट है और ये पार्टिकल सेकंड है। तो यहां पे क्या लिखा, u1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल किससे पहले, टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजिन, टक्कर से पहले। ठीक, u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल बिफोर कोलिजिन। आप पूरा लिखना मेरी तरह ऐसे कर दोगे तो माता रानी पाप लगाएगी और बीएससी में लुढ़क जाओगे। आपको पूरा लिखना है, लो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ खिलाड़ी अब भी नहीं मानने के, मेरे इतना कहने के बाद भी अब भी मानेंगे नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल बिफोर कोलिजिन, अब बॉडी क्या हुई, खुचुक टक्कर हुई, टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन आफ्टर कोलिजिन, या यो लिख दो फर्स्ट पार्टिकल। फिर v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेकंड, लो कुकर चल गया है, आफ्टर कोलिजिन। हमें पता चल गई किस फ्रेम के लिए, एस के लिए। अब सेम सिचुएशन हम लिखेंगे फोर फ्रेम एस डैश, यहां लिख दूं फोर फ्रेम एस डैश, पेल दोगे एस डैश के लिए दबा के टू 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 कर दो, लिख दो फटाफट, सर आप ही लिख दो, अरे यार डैश पेल दो ना, पर क्या है इसके ऊपर ये लगा दिया हमने डैश, क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन। लो जी आपके लिए, अब सेकंड यू टू डैश, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप मेरे चांद सितारे गुलगुले बच्चे हो, पूरा काम करना। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड पार्टिकल, अब क्या आ गया आपका वी वन डैश, क्या है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजिन, पूरा करना है आपको। वी टू डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजिन, इतना लिख लोगे, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब लिख दो क्या, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख दो, या लीनियर मोमेंटम लिख दो, एम ओ एम ई एन टी यू एम, यो वाली स्पेलिंग लिख देना। ठीक, क्या था, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यही तो था। यहाँ मैंने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, दूसरा मार्कर निकाल के इसे डिब्बे में बंद करके इसे हम क्या रख देते हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है आपकी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहती है एक्स इक्वस टू एक्स डैश प्लस वी टी, एक्स इक्वस टू याद है कुछ, या एक्स डैश इक्वस टू एक्स माइनस वी टी, एक ही तो बात है। मैंने क्या किया, ऑन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी,
कर दिया, क्या हुआ यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस, अरे यार ये फ्रेम तो वी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वी तो कॉन्स्टेंट है, समझे चमका या नहीं चमका बताओ, चमक रहा है सब क्लियर, स्टल क्लियर चीजें, अरे ऐसा चमकना नहीं दिमाग से चमकना, वो होती है ना ज्यादा एक शक्ति जूं ज्यादा जो चमकदार होती है ऐसे चमकना, चमका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का हिस्सा मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक इधर का हिस्सा मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि मुझे इस हिस्से की जरूरत है, कोई टफ नहीं है, आपको मजा आने वाला है चीजों में, मजा तो यार पढ़ाई में कभी किसी को आता नहीं है। चलो अब आपको पता है एक बार डिफरेंशियल करने पर वेलोसिटी बन जाती है, तो ये क्या बना यू एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया यू एक्स डैश प्लस डी टी से डी टी कट गया तो वी बचा, मेनली इक्वेशन ये आएगी। अगर हम इससे यू वन यू टू वी वन वी टू की वैल्यू निकाल रहे तो हम निकाल सकते हैं 100 करके कोमा लगाया, मुझे U1 निकालना है तो X की जगह मैंने 1 रख दिया, क्या हो गया U1 डैश प्लस V, अगर मैं 2 रख दूं तो U2 डैश प्लस V, अगर मैं V रख दूंगा V1 इक्वल टू V1 डैश प्लस V, 2 रख दूंगा V2 डैश प्लस V, ये समझिए, अबे X की जगह पहले 1 2 रखा फिर यहाँ पे V V रख दिया, सेम प्रोसीजर सेम यही तो है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में चिपका दो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अब तो आप खुद भी इससे आगे अटेम्प्ट कर सकते हो, अब तो कोई रॉकेट साइंस रहा नहीं, कैसे बस वैल्यू रखनी है, बस इनकी जगह पर डैश वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। तो मैंने क्या किया M1 U1 की जगह पर U1 डैश प्लस V प्लस M2 U2 की जगह पर U2 डैश प्लस V इज इक्वल टू M1 V1 की जगह पर V1 डैश प्लस V, ठीक प्लस M2 V2 की जगह पर V2 डैश प्लस V, ये मैंने रख दिया। उधर का पोर्शन रफ कर दूं, एक कर तो मैं इधर भी सकता हूं लेकिन थोड़ा सा छोटा पड़ेगा बोर्ड, तो मैं क्या कर रहा हूं इधर ही रख रहा हूं, ठीक इन वैल्यूज की मुझे आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इन वैल्यूज को मैं अभी रफ नहीं करूंगा, कहाँ जरूरत पड़ेगी जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। मैंने अंदर मल्टीप्लाई की M1 U1 डैश प्लस M1 V कर दी, सर ये तो हम भी कर सकते हैं, हलवा है बेटा सारी चीजें हलवा है, बस आपको करनी आनी चाहिए। M2 V इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M1 V, अब M2 की कराइए प्लस M2 V2 डैश प्लस M2 V, अब मन की नयन खोलो और कटप्पा को बुलाओ और बाहुबली की पीठ में तलवार घुसवा दो, देखो ये M1 V ने M1 V को मार दिया, M2 V ने M2 V को मार दिया, मेरे पास बचा क्या M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, देखो कुछ आया समझ, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क कर गया या नहीं कर गया, तो हम लिख सकते हैं सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वनी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर गैलीलियन, तो देखो अभी तक हमारी बस वेलोसिटी इनवेरिएंट आई है, बाकी मेरा एक्सीलरेशन भी कंजर्व वो आया सॉरी वे इनवेरिएंट, मेरे लेंथ भी इनवेरिएंट आई और मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी इनवेरिएंट आया। अब मैं क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कर दूँ इस हिस्से को रफ, लिख लिया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ऐसे मुझे आशा है, क्या कह रहे हो सर आपके कहने का इंतजार नहीं करते हम, क्योंकि आपकी तो बुद्धि खराब है पता नहीं कब रफ कर दो, हम तो अपने हिसाब से पहले ही ले लेते हैं।
अब फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, टक्कर से पहले एनर्जी बराबर टक्कर से बाद में, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू, ये एस के लिए आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए। अब आपको क्या करना है, सेम इक्वेशन यही रहनी है, डैश लगा के दिखा देना है, अगर डैश लगा के दिखा दिया तो आपका काम खत्म। ठीक सर, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो कहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने तो दोनों तरफ काइनेटिक ली है, गतिज ऊर्जा ली है, स्थितिज ऊर्जा तो ली नहीं। अरे बेटा थोड़ी खोपड़ी चलाओ, सड़क पर दौड़ रहा हूँ, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होती है, एच बराबर जीरो तो ये भी जीरो, यहाँ पर पूर्णतः स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, पूर्णतः गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, मारो गोली, आप इस चीज़ को समझो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, On putting the values of किस किस की value, values of U1, U2, V1 and V2, इन सब की वैल्यू चिपका दूं। सर वैल्यू है कहाँ, अरे मेरे चांद सितारों, ये रही U1, U2, V1, V2, रखा वैल्यू हाफ, हाफ तो दोनों तरफ से कॉमन लेकर उड़ जाएगा, हाफ कुछ उड़ा दूं, सर अभी मत उड़ाओ, पहले वैल्यू रख लो। चलो लो, मैंने हाफ कॉमन ले लिया, एम वन यू वन स्क्वायर, यू वन कितना है, यू वन डैश प्लस वी का स्क्वायर प्लस हाफ तो कॉमन आ गया, एम टू यू टू का स्क्वायर, यू टू कितना है, यू टू डैश प्लस वी, यू टू डैश प्लस वी, सर वन क्यों लिख रहे हो, अरे भावनाओं में बह गया, इज इक्वल टू स्क्वायर हाफ, यहां भी कॉमन, एम वन वी वन कितना, वी वन डैश प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस एम टू वी टू डैश प्लस वी हो गया। अब आपको इसे सोल्व कर देना है फटाफट, तो इसे हम सोल्व करेंगे, करो सोल्व मेरी साथ साथ। अभी नीचे का रफ कर दूं सारा, क्यों कर दो, अरे यार ये तुम्हें पता है जब होल स्क्वायर खोल लेंगे तो फ्रेम से बाहर चला जाएगा, तो मैं होल स्क्वायर इधर की साइड से खोलना चालू करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इसका होल स्क्वायर मेरी साथ साथ आप लोग खुलवाओ, देखो हाफ को तो हाफ ही कत्ल कर देगा, कत्ल कराए तू कतई जहर है, ठीक हो गया इसका तो कत्ल, एम वन इसका होल स्क्वायर खुलाओ, ए यू वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही तो आएगा सर, ऐसी इसका खुलेगा, ऐसी इसका खुलेगा, ऐसी इसका खुलेगा। मैं डायरेक्ट एम वन की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अरे एम वन की जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, यहां यहां ए यहां एम वन यू वन डैश का स्क्वायर प्लस एम वन वी स्क्वायर प्लस टू एम वन यू डैश वी होगी ये वाली टर्म, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एम वन की सब में मल्टीप्लाई क्योंकि बाहर था, प्लस ऐसी एम टू की होगी, एम टू यू टू डैश का स्क्वायर प्लस एम टू वी स्क्वायर प्लस टू एम टू यू टू डैश वी, नो रॉकेट साइंस, ओके इज इक्वल्स टू ऐसी इधर कराओ, एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस एम वन वी स्क्वायर प्लस टू एम वन वी वन डैश का स्क्वायर वी, नो रॉकेट साइंस, प्लस एम टू वी टू डैश का स्क्वायर प्लस एम टू वी स्क्वायर प्लस दिख रहा है साइड में टू एम टू वी टू डैश वी, ठीक। अब यहां पे देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अब ब्लू मार्कर से एम वन वी स्क्वायर इधर भी है और एम वन वी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा इधर भी है,
एम टू वी स्क्वायर इधर भी है और एम टू वी स्क्वायर इधर भी है, ये कैंसिल आउट, ये टर्म नहीं दिख रही तो मैं नीचे लिख दूंगा, हालांकि दिख रही होगी प्लस टू एम टू वी टू डैश वी, ये है। अब यहाँ देखो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा एम वन यू वन डैश का स्क्वायर प्लस, ये एक साथ लिख लेता हूँ एम टू यू टू डैश का स्क्वायर, ये वाली टर्म एक साथ लिख लेता हूँ दोनों, प्लस टू एम वन यू वन डैश वी प्लस टू एम टू यू टू डैश वी, नो रॉकेट साइंस, इज इक्वल्स टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू, अरे यार डैश तो लगाओ, एम टू वी टू डैश का स्क्वायर, और ये वाली टर्म कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली एक साथ लिख लेता हूँ, टू एम वन वी वन डैश वी प्लस टू एम टू वी टू डैश वी, यहाँ डैश था स्क्वायर नहीं, बताओ। आप इसे खुद भी सोल्व कर सकते हो, अरे यार देखने में पहाड़ जैसा है पर पहाड़ नहीं है, ये टर्म एज इट इज एम वन यू वन डैश का स्क्वायर प्लस एम टू यू टू है, भैया ध्यान रखा करो इस चीज का। सर ध्यान कैसे रखें जब आप लाइव क्लास ही नहीं ले रहे, अरे लाइव लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है किस चीज़ को लेके, बारिश को लेके, मैं गलत जगह हूँ, बारिश का टाइम नहीं पता चलता कहाँ है कब होगी, तो इस वजह से मैं जब बारिश नहीं होती तभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दो चार दिन दस दिन में इस जगह को बदलेंगे जब मामला सेट होगा। इसमें देखो बेटा इसमें वी भी था ये रहा, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, टू कॉमन है और वी कॉमन है, क्या बचा एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश, यही तो बचा, इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश का स्क्वायर प्लस एम टू वी टू डैश का स्क्वायर प्लस टू वी, इन दोनों में भी कॉमन, क्या बचा एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, नो रॉकेट साइंस, ये ऐसी की ऐसी एम वन यू वन डैश का स्क्वायर प्लस एम टू यू टू डैश का स्क्वायर प्लस टू वी, ये क्या है एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू, अरे सर कौन सा नशा कर लिया, ये तो एम वन यू वन डैश है, ये कैसे लिख लिया, थम जाओ दिल थाम के बैठो, आई अब आंटी की बारी है, रुक जाओ दाढ़ी मूछ वाली आंटी, एम वन वी वन डैश का स्क्वायर प्लस एम टू वी टू डैश का स्क्वायर प्लस टू वी, एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसने इसे काट दिया पूरे को, सर वो तो सही है पर इसकी जगह ये कैसे आ गया, मैंने कहा जब हम 1857 की क्रांति में पढ़ रहे थे, अरे नहीं यार अभी तो पढ़ा 5 मिनट पहले, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी यो तो पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या पढ़ रहे थे हम, हमने यही तो निकाला था एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश इज इक्वल्स टू एम वन वी वन डैश, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ तो करा था, तो मैंने एम वन यू वन डैश की जगह पे ये वैल्यू चेप दी, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बराबर है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह ये वैल्यू चेप दी, कोई मैंने दिमाग थोड़ी खर्च करा, तो मेरे पास बचा क्या एम वन यू वन डैश का स्क्वायर प्लस एम टू यू टू डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू एम वन वी वन डैश का स्क्वायर प्लस एम टू वी टू डैश का स्क्वायर। अब मैं चाहूँ तो पूरे में हाफ की मल्टीप्लाई कर दी, तो हाफ एम वन यू वन डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश का स्क्वायर। लो हागी कंजर्व ऊपर लिख लेना चाहे, क्योंकि यहाँ ढक गया होगा फ्रेम में थोड़ा सा, ठीक ये तो आपको पता है। अब देखो मैंने क्या लिया था यू वन, यू वन की जगह पर यू वन डैश आ गया, यू टू की जगह पर यू टू डैश आ गया, वी वन की जगह पर वी वन डैश आ गया और वी टू की जगह पर वी टू डैश, तो हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में कंजर्व थी, एस डैश में भी क्या आई कंजर्व, तो हम क्या लिख सकते हैं सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरियंस,
अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी क्या आ गई, इनवेरिएंट एक्सीलरेशन आ गई, आपका लेंथ आ गई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया, वेलोसिटी इनवेरिएंट आई है। बस आपके सिलेबस में यही थी इनवेरिएंट से रिलेटेड। कल हम पढ़ेंगे माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, शायद पढ़ा दी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो कल हम माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट कल की क्लास में करेंगे। जो भी आपको डाउट हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।